नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर और आज मैं आया हुआ हूं भाई हरिद्वार है ना और हरिद्वार इसलिए आया हुआ हूं कि सर ने भाई तीन लिए पहले घोड़ा लिया था इसलिए मैं आया था तो सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने तीन बच्चियां परचेज की है धन्यवाद प्रदीप भाई और हरिद्वार आने पर आपका स्वागत वेलकम और मैं पूछूंगा आगे घोड़े पे घोड़े लेते जा रहे हो क्या कारण है पर मैं सबसे पहले चाहूंगा कि लोगों को जो हम आपकी जो बड़ी बच्ची दिखा रहे हैं क्या नाम है इसका काली इसका नाम प्रदीप भाई कुक्कू है कुकु ये नाम पीछे से ही था अच्छा तो मैंने चेंज क्योंकि बड़ा प्यारा नाम है ओके जी जी भाई और बाप कौन है सर इसका बाप इसका रुद्रा है रुद्रा जी जी और माँ का पता है माँ इसकी गंगा दुदवा वाली घोड़ी है ताजन घोड़ी है रक्त ताजन घोड़ी है इसकी ओके और उम्र में कितनी होगी सर अभी कुछू? ये बीस मंथ की हुई है और हाइट में लगभग होगी होगी जी हो बाकी सर क्या क्वालिटी देखी जिसकी वजह से आपने इसको लिया और जैसे कि आपने राजस्थान से लिया तो आपका क्या नेटवर्क इतना खतरनाक बना रखा है कि जो राजस्थान तक भी पकड़े <laughs> भाई ये मेरा सौभाग्य है कि ये बच्ची मुझे मिली है, है? और वीडियो में आपके व्यूअर्स देख ही रहे हैं कि बच्ची कितनी टॉप शो क्वालिटी है इसका नेक प्रोफाइल इसकी लेंथ और इतने कम उम्र में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो लाजवाब है तो मैंने उन्हें फ़ोन किया मैंने कहा मुझे देखते ही बच्चे बड़ी अच्छी लगी तो उन्होंने कहा हाँ ये अपने उत्तम जी हैं उनके पास है और मैं आपको बताता हूँ भाई लोग कहते हैं कि बड़े फार्म पर ये घोड़े होते हैं उत्तम जी ये उत्तम जी जो हैं एक नॉर्मल किसान परिवार से हैं बिल्कुल और बहुत साधारण व्यक्ति है ये उनके घर में थी बच्ची और यकीन मानिए उनसे बहुत लोगों ने इसे मांगी लेकिन उन्होंने दी नहीं बिल्कुल तो वैष्णवी जी ने जब उन्हें बताया और मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं आप वीडियो कॉल करो पहले तो मैंने कहा मैं हाँ सच में मैं देवेंद्र प्रधान ही बोल रहा हूँ तो बड़े खुश हुए उन्होंने कहा देवेंद्र जी आपको मैं बच्ची बिना पैसा एक रुपया ले उन्होंने बच्ची मुझे वहाँ से भेज भेज दी यहाँ भेज दी अपना बेटे को भेजा अपने भाई को भेजा साथ में और इतनी अच्छी लाजवाब बच्ची मेरे घर में आई लिए उत्तम जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने बिना एक रुपया लिए बच्ची ला यार और, और ये तो सर किसी से नहीं छुपा किसानों के घर पर ही सोना पैदा हो रहा है ऐसा ना घोड़ा किसी के भी घर में पैदा हो सकता है भाई चाहे कोई किसान हो चाहे कोई भाई फार्म वाला हो ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ भाई बड़े फार्म पे घोड़े पैदा होंगे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों साल लग गए लेकिन उनके घर में कोई अच्छा बच्चा जो नहीं पैदा हो रहा चाहिए वो नहीं पैदा होता लेकिन कई बार किस्मत ऐसी चीज़ है कि किसी के पास एक ही घोड़ी है तो उस ऐसी बच्चियाँ पैदा हो जाती तो सर आप लेके आए तो आपसे किसी ने नहीं मांगे क्या फिर भाई काफ़ी लोग मांग रहे हैं भाई और बहुत अच्छे तो मैंने आप... भी बहुत अच्छे प्राइस पर उत, उत्तम जी से लिए ऐसा नहीं है लेकिन उन्होंने दे दी इतनी बड़ी बात है और मुझे इसके बहुत सारे मेरे फ्रेंड है मेरा सर्किल जो है अपना काफ़ी लोग इसे मांग रहे हैं लेकिन अभी कोई देने का मन नहीं है भाई क्या आप भी दे दो ना बड़ी प्राइस पे नहीं भाई मतलब मुझे मैं आपको बताता हूँ ये इस तरह की घोड़ियाँ हैं कि आप जो जिन्हें नॉलेज है या जो भी रखते होंगे फॉर्म पे हज़ारों घोड़ियाँ अगर आप मैंने देखी होंगी तो उनमें से ये सिर्फ एक ऐसी है जो मतलब इस कंडीशन में इस लायक है कि हाँ ये दिल मुतर जाए बिल्कुल तो सर जैसे आप पहले घोड़ा लेके आए ठीक है जी प्रधान साहब ना जी जी जो भी हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा उसके बाद तीन बच्चियां लेके आए और मेरे को लगे ये 2024 में शायद आप बहुत सारे घोड़ा घोड़ी खरीद के लेके आए और बहुत सारे बेच भी दिए शायद है ना तो यानी कि कैसे घोड़े लेके आ रहे हो आप यानी कि प्रदीप भाई ये तो आप आ गए तो इनका वीडियो बन गया अदरवाइज आपने मेरा सोशल मीडिया का पूरा अकाउंट छान लीजिए मैं कभी डालता भी नहीं बिल्कुल ना तो मैं बेचने के पोस्ट डालता हूँ ना मैं खरीदने के पोस्ट डालता हूँ ना लोगों को पता लगता रहे ना भाई जिन लोगों को पता है और जिन्हें मेरे बारे में पता वो सब जानते हैं अच्छा घोड़ा वर्ड में कुछ छुपा नहीं होता सब एक दूसरे के बारे में पूरा सर्च करके रखते हैं रिसर्च करके रखते हैं तो सर जैसे अभी जो ट्रेंड है वो छोटे घोड़े पे आने लगा है तो आप बड़े के पीछे क्यों पड़े हो भाई ये बड़ा मतलब एक मतलब एक मजाक या क्वेश्चन कहें जोकिंग वाला वो भी मैं कह सकता हूँ देखिए भाई जिनके घर में भी अच्छे सुंदर छोटे हों या बड़े हों देखो मैं तो एक चीज मानता हूँ आप सपोज करिए यार आप कुत्ता पालते हैं तो आप जर्मन शेफर्ड लेंगे रॉडव्हीलर लेंगे डेन लेंगे, लेंगे लेकिन आप कभी घर में अपना देसी कुत्ता नहीं रखते केवल एक स्टेटस के लिए है ना कुत्ता तो वो भी काम ही करेगा समझेगी नहीं अगर आप कोई देसी कुत्ता रखेंगे तो वफादारी के मामले में इनसे भी ऊपर चांस रहता है लेकिन अब इसमें भी क्या वैरायटी है देसी कुत्ता आपको सड़क पर मिल जाएगा और दूसरे और जर्मन शेफर्ड हो गया या फिर और सारे जितने भी नस्लें हैं बड़ी वो आपको जो है खरीदनी पड़ेगी अच्छा वो आप दस हजार का भी ले सकते हैं पंद्रह का भी ले सकते हैं बीस का भी लेकिन अगर आप ब्रीडिंग के लिए किसी जो डॉग की ब्रीडिंग करते हैं लोग अगर उनके पास जाएंगे उनके पास पंद्रह पंद्रह लाख के भी डॉग हैं जो उन्होंने ब्रीडिंग के लिए लिया तो यही अंतर मेरे भाई घोड़ों में है। आप कहेंगे लोग यार घोड़े महंगे ले रहे हैं बड़े लेने यार शौक जिसे करना है वो अपने घर में एक लाख रुपया घोड़ा रखे कैसा भी रखे वो दिल से रखे उस घोड़े को बिल्कुल ठीक है नहीं लेकिन मेरा काम जो है मेरा काम है नस्ल सुधारने का सीधी सी बात है मैं नस्ल सुधारने के लिए ब्रीडर घोड़े रखता हूँ और ब्रीडर घोड़े में मैं समझता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए ठीक है नहीं आप आपका मन करे आप कोई अट्ठावन इंच का घोड़ा रखकर साठ इंच का जिसे एक ही रखना वो कैसा भी रखे यार दिल से रखे देखो एनिमल है प्यार से रखना चाहिए बस प्यार से रखो घोड़ा घोड़ा ही है हाँ लेकिन मेरी जो मेरा अपना जो पालने का तरीका है वो मैं ये चीजें बहुत पीछे छोड़ के आ गया हूँ अब मेरा काम क्या है कि मुझे मेरे पास इंडिया के टॉप से टॉप घोड़ा रहना चाहिए एक से बढ़कर एक उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता तो आज भी सर कोई घोड़ा पसंद आए तो ले लोगे क्या भाई अभी चल रही है बात क्या पता <laughs> ले भी लो एक दो दिन में है ना बात वो नहीं है नहीं। 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 लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये लोगों को समझना चाहिए जो एक ब्रीडर घोड़ा होता है बहुत अलग चीज़ है शो क्वालिटी घोड़ा अलग होता है लेकिन कई सारे घोड़े ऐसे भी हैं जो टॉप शो क्वालिटी हैं और ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छे हैं बहुत सारे घोड़े ऐसे हैं जो केवल ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल लेकिन उन उनकी कीमत में दस पचास सौ शो क्वालिटी घोड़ेज हैं तो ये अंतर लोगों को समझना पड़ेगा दूसरा क्या है कि भाई ये जो आप कह रहे हैं नया ट्रेंड चल रहा है कि बड़े घोड़ों का लोग बोलते हैं यार उनमें खूबसूरती में कुछ कमी है या इसमें कमी है लेंथ में अब मेरे पास प्रधान साहब है कोई एक उंगली लगा के दिखाया उसे हाँ भाई इसमें ये चीज़ की कमी है लेकिन जो लोग छोटे घोड़े ले रहे हैं उनका भी गोल क्या है भाई जो लोग छोटे घोड़े ले रहे हैं उनका भी लास्ट में आके गोल ये है वो ये बताते हैं कि इसका बच्चा एक छियासठ इंच का खड़ा है एक सड़सठ सड़ इंच का खड़ा है एक इसका बच्चा ऐसा तैयार हो रहा है कि छोटे घोड़े बड़ा घोड़ा पैदा कर सकते हैं भाई कर सकते हैं किसने मना किया आप अगर साठ इंच का इकसठ इंच के किसी घोड़े से ब्रीडिंग करें तो उसे अट्ठावन इंच की घोड़ी दे कोई अस्सी इंच का बच्चा निकाल के दिखाओ ना लेकिन क्या कर रहे हैं लोग हमारे पास बड़ी घोड़ियाँ हैं हम इससे बच्चा निकाल लेंगे निकाल लेंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन करता ही नहीं हूँ लेकिन कुल मिला के गोल क्या है गोल यही है कि हाँ छोटे घोड़े से ही बड़ा बच्चा पैदा करना यानी हर किसी का गोल है हर किसी का गोल यही है कि बड़ा बच्चा पैदा हो तो पहले ही मैं तो उस चीज़ को पहले ही साइड में रख के मेरे भाई मैं तो पहले ही अपने जो है अच्छे बड़े जो ब्रीडर घोड़े हैं वो तैयार तो कर रहा हूँ और उनसे अच्छी घोड़ी पर ब्रीडिंग कर रहा हूँ बिल्कुल भाई सर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे हम लोगों को एक छोटी बच्ची है ना जी क्या नाम है इसका इस बच्ची का नाम रानी पदमा है रानी पदमा और इसका बाप कौन है इसका बाप शिवा है शिवा है आ, वो भी गुजरात से अभी पंजाब में आया घोड़ा अच्छा वो राजू अच्छा। देसाई जी वाला आ, है जी जी और की साइड से मदर राज, शिवराज शेखरा वाले की है शिवराज शेखरा जी 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 और उम्र में आठ मंथ आठ मंथ की और मार्किंग क्या है मार्किंग के माथे ब्लेजे और दो पैर पीछे के व्हाइट है बाकी सर गर्दन की क्वालिटी के बारे में क्वालिटी फीली है बहुत ज्यादा सुंदर है और जिन्हें लोगों को शो में लगाने के लिए शौक़ होता है बच्ची उससे भी ज़्यादा एडवांस वाली है गर्दन का कर नेक प्रोफाइल लेंथ सब कुछ अल्टीमेट है बच्चे में तो सर आप जैसे ये बच्चियाँ खरीदी जब देखने गए क्या फोन पे ही भाई ये वाली बच्चे भी लुधियाना में मेरे भाई हैं रविंदर रविंदर ग्रेवाल केवल उनसे फोन पे बात हुई और आपकी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ बिना एक रुपया लिए उन्होंने ये बच्ची और एक बच्ची एक हो रेप पर ही अभी वीडियो में दिखाएंगे वो दोनों उन्होंने मेरे से बिना एक रुपया लिए मेरे घर में भेजी केवल केवल और कि के के हाँ, ये मैं खरीद रहा हूं। एक भर, एक भरोसा भी रहता है ना फिर जी 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 क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है घोड़ा मार्केट में ऐसे ऐसे भी खतरनाक आदमी जो बच्ची भी ले जाए और पैसे भी नहीं दे और फोन <laughs> और स्विच ऑफ कर ले जी, जी फिर वो जी। उनका क्या रहता है कि जब पैसे देने की बारी आती है तो फोन स्विच ऑफ है मैं बीमार हूँ इस तरीके के बहाने आदमी के चालू हो जाते हैं पर वो ऐसा समझते कि दूसरा पागल बन रहा है पर उनको नहीं। पता नहीं कि दूसरा तुम्हारे से ज़्यादा दिमाग लगा ठीक है देखो कई सारी चीज़ें हो सकता है किसी के साथ जनवली हो भी गई हो जनवन में ही कोई आदमी तो पर घोड़ा मार मार्केट में आपको पता है अगर हो भी गई हो तो पता लग जाता है घूम घूमघा तो कई बार दिक्कत आ जाती है पेमेंट का कई बार इशू होता है यार ये बात इन बातों में हम लोग नहीं जाए तो अच्छा ही है लेकिन मैं तो एक भरोसे वाली बात कर रहा हूँ जिन आदमियों को मैं कभी मिला नहीं चाहे उसमें उत्तम जी हो चाहे अपने रविंदर भाई हों और केवल फ़ोन पे उन्होंने खाली ये सब आपके वीडियोस का कमाल भी हो सकता है ठीक है नहीं जो वो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानते हैं उन्होंने बिना एक रुपया लिए मुझे ये घोड़ियाँ तो डील में थोड़ी दिक्कत आई कि आसानी से होगी सर कोई दिक्कत नहीं आई भाई बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई यानी आसानी से हो गई बड़े आराम से बहुत प्यार से तो सर ये वाली बच्ची नहीं मांग रहे कोई भाई बच्चे तो ये क्या मेरा लगता है दोनों की जो नेक है वो सेम ही है थोड़ा भाई, भाई मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ अगर मैं अभी चाहूँ तो मेरे घर में जितने भी हैं मैं अभी अभी एक दिन दिन में अभी आप आप तीन दिन से होंगे घोड़िया है देख ही रहेंगे मैं एक दिन में सारी बेच सकता हूँ लेकिन भाई फिर मैं लेके कहा से आऊंगा फिर ढूंढना और क्या है मिलता नहीं ना उस तरह का यार जो अपनी पसंद है वो आप समझे कि बहुत टाइम बाद कुछ चीजें पसंद आती हैं और आती है तो एकदम से आती हैं अदरवाइज़ मैं सौ घोड़े भी देख लूँगा तो मुझे नहीं समझ आता भाई कुछ भी और मेरे को लगता है कि आज के टाइम में क्वालिटी वाले बच्चा बच्ची मिलना बहुत मुश्किल है भाई देखिए क्वालिटी का तो ये है कोई आदमी अगर क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करें अभी कोई एक नॉर्मल घोड़ी लिया हो और एक कुकू को लिया हो तो एक आम आदमी को लाओ जिसकी दस पुस्तों ने भी कभी घोड़े नहीं रखे और उनके सामने दो घोड़ियाँ खड़ी कर दो तो कुकु को ही अच्छी बताएगा बिल्कुल वो कैसे बता रहा है उसे कुछ नहीं पता इस बारे में पर उसको समझ में तो आ रहा है ना हाई लेकिन उसे क्या चीज समझ मै आप ये चीज देखिए तो यही अंतर जो नए बायर है उन्हें वो सब समझते हैं लेकिन वो अपनी आंखों से देखें दूसरे की दूसरों की आंखों से ना देखें घोड़े को पर सर ऐसा भी आप लगता है कि आजकल जैसे लोग बाग कभी कभार डील करते हैं जी तो जो बीच वाला रह, रहता है उसके चक्कर में डगमगा जाते हैं और बीच वाला क्या है कि वो डगमगाने का ही काम करता है भाई मैंने भी आपको बहुत आसान छोटा एग्जाम्पल दिया जिसने दस पीढ़ी भी कभी दस पुस्तों में भी कभी किसी ने घोड़ा नहीं रखा उस एक आदमी को लेके आओ सामने को कु खड़ा करो और कोई एक बाहर से नॉर्मल घोड़ी ले आओ उस आदमी को कैसे पता की ये अच्छी है या ये बेकार है और जो घोड़ा ख़रीदने जा रहा है जो ले रहा है सर्च कर रहा है तो वो दूसरे की आँखों से ना देखे ना घोड़े को अपनी आँखों से देखे भाई और मैं तो सही में एक चीज़ बोलता हूँ मेरे भाई अगर आप ब्रीडिंग में जा रहे हैं शौक़ में जा रहे हैं तो आप कुछ भी ले लेकिन अगर आज आज आप ब्रीडिंग में जा रहे हैं और आपका मन है हाँ मैं मुझे एक ब्रीडर बनना है या मैं घोड़े के बिजनेस में जा रहे हैं तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है फिर तो यानी टॉप से टॉप जितना हो सके बोल हाँ जी हाँ जी फिर कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह है ही नहीं तो सर आपने जैसे ये दोनों बच्चे आए इनको ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार करोगे भाई बिल्कुल जी बाकी हम सर लोगों को जो तीसरी बच्ची दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है इसका नाम परी है भाई परी हाँ और कौन है इसका बाप ये वो की है माँ की तरफ से दान्य है अच्छा बाप इसका है कांगो जी और माँ क्या बता रहे हो आप माँ दान्य घोड़ी की है दाने घोड़े चैंपियन राजोधपुर और उम्र में उम्र में ये अभी दो दांत में है दो दांत में हाँ जी हाइट महीने की होगी हाइट इसके सिक्सटी फाइव के आसपास है सिक्सटी फाइव के आसपास हाँ जी हाँ जी तो अगर सर बात करें जैसे इसके कलर की तो इसका कलर क्या है ये भाई जो अलबक घोड़े का कलर है वही कलर है वो भी पहले ऐसा ही था और ये बिल्कुल सिल्वर हो जाएगी और मेरा लगता है खड़े होने में भी बिल्कुल अलवक्स की तरह एक जगह जम जाती तो जम जाती है ये। ब्यूटी बहुत है नेक बड़ा पतला है हाइट के साथ साथ जो है कन्फर्मेशन बहुत अच्छी है लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है और अभी एक दिन चोट लेके जाएगी आराम से मेरे लगे सर आपने इस कलर की तो पहली बार खरीदी है बच्ची ग्रे तो मेरे पे दो तीन थी लेकिन वो ब्लैक से ग्रे थी अच्छा हाँ ये कुमे से ग्रे अभी पहली बार ही लिया तो ये बच्ची कहाँ से लेके आए सर ये भी रविंदर भाई से लिया अच्छा रवि एक ही जगह से है हाँ जी हाँ जी दोनों एक ही गाड़ी में आ गई दोनों एक ही गाड़ी में आ गई थी भाई तो जैसे सर इस बच्ची को किस मकसद से लेके आए थे आप भाई ये ब्रीडिंग के ले लिए ब्रीडिंग के आ, साथ आ, जी आ, जी और मेरे को लगता है आपके पास घोड़े घोड़े की तो कोई पाँच है, लेकिन अभी ये सारी घोड़ियाँ कही ना कहीं है तो इन पे अपना जो घोड़ा है या तो तहसीलदार या फिर अपना प्रधान साहब प्रधान साहब आपका जो है रामपुरा मठ लाइन का घोड़ा है अभी एक वीडियो आपने डाला था उसमें अली बाबा प्लस देव दरबार बोला गया लेकिन प्रधान साहब की जो आ, का ग्रांड सायर है उसकी माँ अली बाबा की थी ओके okay. घोड़ा रामपुरा तो 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 की डिमांड करते घोड़ी भाई भाई कवर कराने उनकी अपनी चॉइस रहती है मेरी कोई नहीं रहती नहीं, नहीं जब भी उनकी क्या चॉइस रहती है किस घोड़े पे भाई अगर कोई डिफरेंट ब्लड में है, तो वो तहसीलदार जाता है या फिर प्रधान साहब पे चला जाएगा और अगर कोई अगर आलिशान ब्लड में या कहीं और दूसरा अगर आलिशान से कोई दूसरा ब्लड है तो वो अपना शान भारत और अपना राफेल के पास जाता है जी तो सर पांच घोड़े आप कैसे मैनेज करते हो सर भाई आराम से खड़े हैं लो। कि लोगों के पास में अगर दो घोड़े हो तो लोग कहते हैं यार बहुत लड़ते हैं ये करते है वो करते है मेरा कोई भी घोड़ा मेरे फार्म की कोई घोड़ी बाहर निकल जाए चू भी नहीं बोलता आपने देखा होगा वो इज्जत से ही जाते और सारी घोड़ियां उनके सामने से निकल के जाती हैं और आप ड़... जैसा घोड़े को रखोगे घोड़ा तो भाई वैसे ही हो जाएगा भाई सर डाइट में क्या दे रहे हो डाइट में अपने घर के नॉर्मल डाइट देते हैं घर की हाँ मेरे लगता है आपको घर की डाइट देते हो पर आपके जानवर कभी भी टूटे हुए नहीं मिलते भाई हम ना क्या करते हैं डाइट तोड़ते नहीं है घोड़ों की कभी कुछ खिला दिया कभी कुछ खिला दिया इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं जो अपना है शेड्यूल उसी के हिसाब से घोड़ों को दाना पानी गिरता है ऐसा नहीं मिला कि कोई घोड़ा घूडी पतला मिला हो ही नहीं सकता तो हाँ जी अगर हरिद्वार है तो डेली आते हैं यानी घोड़ा घोड़ी देखने के लिए बस। बिल्कुल बाकी तो घर से देखते ही रहते हो गए जी भाई जी जी तो बाकी सर जैसे बात करें अभी मार्केट उठेगा कि नहीं उठेगा मार्केट तो उठा भाई है घोड़ों पर वाले जिसका बिकरा उसके लिए उठा हुआ है भाई घोड़े वाले लोगों को अपने घोड़े उठाने पड़ेंगे मार्केट ये ऑलरेडी मार्केटरेडी हुआ कैसे घोड़े रखे है घोड़े ऐसे रखे भाई जो लाख की चीज है वो दस लाख में ना दे वो दस लाख की चीज है तो उसे ही दस में दे तो वो तो वो तो वो वही रेट मांग रहे ना दस वाला पचास आज बताओ घोड़े की सही रेट बता भी कौन रहा है खरीद के कोई लेके आता है कोई इसका जो है जो एम है नहीं कोई इसका फिक्स प्राइस तो है नहीं है भाई जैसा घोड़ा वैसा पैसा है जो लाख रुपए वाला घोड़ा है उसका लाख रुपए है जो करोड़ वाला उसका करोड़ में है लेकिन ये तो देखने वाले का नजरिया कि उसे चाहिए क्या पर लाख रुपए के घोड़े के आज लाख रुपए कौन मांग रहा है आप बताओ चलो भाई कुछ तो ऐसे भी बेजे दस गुना ज्यादा ही बताते हैं कुछ तो ऐसे बेजे फ्री भी दे दे रहे हैं ठीक है नहीं मैंने कहा वो चॉइस है आदमी के लेने वाले की तो उसे चाहिए क्या है बस उसे फ्री का माल चाहिए तो फ्री जैसा मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊंचा है बहुत उठा हुआ मार्केट है बस कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे जैसे कई बार हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ देनी नहीं है नहीं। है ना आदमी पचास आदमी लेने के लिए खड़े हैं लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं है नहीं। दूसरा उसका कारण ये भी होता है कि हम कहीं लेने जाएंगे हमें मिलेगी नहीं बिल्कुल ठीक है नहीं क्योंकि हम किसी के पास जाएंगे वो फिर ऐसे रेट में बोलेगा कि हम खरीद नहीं पाएंगे तो यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है भाई बाकी सर जैसे ये बच्चे आप आगे से आगे सर्च करते रहते होंगे भाई अभी भी दो ऑलरेडी मेरे मेरी डील हो रखी है अभी हो और उम्मीद है अगले तो वो आने के बाद में फिर एक क्या, क्या है अभी कुछ नहीं है <laughs> है तो सब कुछ हाँ। लेकिन वैसे कुछ नहीं है भाई अच्छा है तो सब कुछ लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाह के भी नहीं दे सकते अभी टोटल कितने हैं सर है अभी हो गई है दो क्रिकेट की टीम के बाद एक खिलाड़ी है चलो भाई जो भी लोग हरिद्वार आते हैं तो मेरे लगता है सर के पास में भाई अभी क्वालिटी वाले बहुत घोड़ा घोड़ी है तो आप सर के फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि मेरे लगता है कि जो घोड़ा घोड़ी वीडियो में कभी कभार अगर अजीब लगता है तो वो सामने देखने के बाद में समझ में आता है पूरा क्या है घोड़ा घोड़ी ब्रीडिंग के लिए अपने घोड़े अब ओपन है सारे प्रधान साहब सारे ओपन कर रखे हाँ जी प्रधान साहब तहसीलदार भाई स्टेबलिंग वगैरह सर सब भाई पंद्रह हजार रुपये चार्ज है मंथली अच्छा बहुत रिजनेबल चार्ज है और वरना तो हजार डेली का आपकी हजार ले रहे महीने का ठीक है नहीं हमारे यहाँ पंद्रह हजार ही है लेकिन डॉक्टर का जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा भाई वो तो सब जगह ही देना पड़ता है जी और आप अपनी घोड़ी छोड़ के जाओगे अगर उससे इक्कीस ना हो महीने के अंदर वो तो भरोसा है हाँ, तो फिर बात है चलो ओके सर थैंक ठीक है भाई थैंक यू प्रदीप भाई